शनिवार को दोपहर बाद आसमान में काली घटाओं ने अपना कब्जा जमा लिया। थोड़ी देर बाद रिमझिम फुहारें भी बरसने लगी। सावन के सुहावने मौसम ने गर्मी को काबू कर लोगों को राहत दिलाई। आज दोपहर तक लोग गर्मी और उमस से बेहाल थे। गर्मी का आलम यह रहा कि लोगों को न घर में चैन न बाहर चैन, लेकिन दोपहर बाद भगवान कृष्ण की नगरी में काले बादलों ने डेरा डाल दिया। चारों तरफ आसमान में देखते ही देखते सूरज को अपने पीछे छिपाते हुए इन काली घटाओं ने डेरा जमा दिया और आसमान में बस काली घटा ही देखने को मिली। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जैसे जैसे शाम होने को आई और रिमझिम फुहार शुरू हो गई और उसके बाद मौसम सुहाना हो गया। लोगों को जहाँ गर्मी से राहत मिली, वहीं सावन के महीने में जिस तरह से नन्ही नन्ही फुहारें, बादलों की गड़गड़ाहट और आसमान में छाए काले बादल, इनका या कभी भी उसका वर्णन करते हैं और लोगों के मन में एक सावन का जो महीने को लेकर जो एक क्रेज़ होता है, मन में जो भाव होता है, वही माहौल इस समय बन गया है। तो पूरे मथुरा में हम कहें भगवान श्री कृष्ण की नगरी में सावन महीने के इस समय जो उमंग और तरंग छाई हुई है और उसमें बादल अपनी नन्ही नन्ही बूंदों से बरसात कर उसको और खुशनुमा बना दिया है। लोग घरों से बाहर इसका आनंद लेने के लिए निकल पड़े हैं। वहीं रोड पर अंधेरा इतना छा गया बादलों से कि जो चलने वाले वाहन हैं उनको लाइट भी जलानी पड़ी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम के वक्त जहां अगर ये बादल नहीं होते तो धूप छाई, धूप सामने होती और धूप होती तो ऐसे में लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आसमान में गिरी घटाओं ने अंधेरा सा छा दिया और वाहनों को अपनी लाइट भी जलानी पड़ गई। तो आप भी सावन के महीने की इस बादलों की नन्ही नन्ही फुहारों का और आसमान में होती गड़गड़ाहट का आनंद लीजिए, यही सावन का मजा है। जी नाइन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।